साल 2023 में सिर्फ एक ही नाम गूंज रही है, वो है शाहरुख खान। उनकी 3 फिल्में आई हैं और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे पीटे हैं। इस साल उनकी कोई भी फिल्म नहीं आएगी, वो बस अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। अगले साल उनकी फिल्म किंग आने वाली है। इस पिक्चर से सुहाना खान थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही है। पहले ये फिल्म पूरी तरह से सुहाना पर ही फिल्माया जाने वाला था, पर बीते दिनों एक अपडेट आ गया। इससे पता लगा कि स्क्रिप्ट में बदलाव हो चुका है और अब फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे। फिल्म किंग में शाहरुख खान और सुहाना के अलावा कौन कौन से स्टार्स दिखने वाले हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। खैर, इस बीच एक स्टार की फिल्म में एंट्री हो गई है। हाल ही में पिंक विला की एक रिपोर्ट सामने आई है। इससे पता लगा है कि जवान के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र एक बार फिर से शाहरुख खान की फिल्म से जुड़ने वाले हैं। ये पिक्चर कोई और नहीं बल्कि किंग होगी, तो इसे बड़ा बनाने के लिए अभी से तमाम कोशिशें की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान किंग में अनिरुद्ध के साथ कोलैबोरेट कर काफी खुश है।